नमस्कार, आप सुन रहे हैं कविताओं की साझा डायरी, जिसे लिखा है डॉक्टर आजाद जैन और डॉक्टर आशा जैन ने, मेरी यानी मृद्विका की आवाज में, सिर्फ बुक ऑडियो पर। कर्मशील उदास है आज फिर उन टूटे लम्हों के साथ जिन्हें वो सहेजती है हर पल हर समय, जिनमें भरती है रंग आशा के सपनों के और बिखर जाते हैं वो पल अपनी उजड़ी उदास रुकी सी जिंदगी की रोशनी छिनने के बाद भी, जो रंग भरती है वो कल्पना की आंखों से क्यों बिखर जाते हैं परिंदों के घोंसलों से। कितना बोझिल और बेबस महसूस करती है खुद को, मन की आंखों से झांकती वो देख जाती है मां की अपने भविष्य की भयावहता से त्रस्त आंखें, पापा की कुछ बनाते रहने को तत्पर आंखें, मां की उसांसे हिला देती है हर बार उसे। क्यों नहीं भूलने देती अपनी कमजोरियों को मुझे, क्यों एहसास का बादल मंडराता है मेरे पास कि मैं अंधी हूं। मैं बन के दिखाऊंगी कुछ सबको अपने पापा की गुड़िया, मैं ढल जाऊंगी सारी उनकी आंखों में, और तब शायद मम्मी भी समझ जाएंगी कि किसी कमी को भुलाने के लिए उसका जिक्र भी नागवार है, या अपना अस्तित्व बनाने के लिए शारीरिक सर्वांग होना जरूरी नहीं, अक्षुण्ण कला गुणों की रहती है, भटकेगी वो बार बार अपनी अक्षमता में, पर रहेगी कर्मशील हर पल और बना लेगी अपने चित्रों को अपनी आंखें, अनगिनत सुंदर आंखें।